नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। आशीष विद्यार्थी ने 7 साल की उम्र में दूसरी शादी की। वहीं आपको बता दें कि आशीष की पहली शादी राजोसी बरुआ से हुई थी, जो टीवी के फेमस शो इमली में भी काम कर चुकी हैं। आशीष की पहली पत्नी राजोसी का जन्म 30 अगस्त को कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ, जो बंगाली एक्ट्रेस शकुंतला बरुआ की बेटी है। यही वजह है कि उन्हें शुरुआत से ही एक्टिंग का शौक रहा। राजोसी ने अपना करियर साल 1993 में टाइम्स एफएम में एक रेडियो जॉकी और निर्माता के तौर पर शुरू किया। इस रेडियो चैनल में उन्होंने 6 साल तक काम किया। फिर साल 2000 में A&R मैनेजर के रूप में टाइम्स म्यूजिक का हिस्सा बन गई। इसके अलावा राजोसी आशीष विद्यार्थी एंड एसोसिएट्स नाम के ग्रुप की सह संस्थापक भी हैं। बता दें कि अब राजोसी को एक्ट्रेस, सिंगर और थिएटर आर्टिस्ट के तौर पर जाना जाता है। वहीं आपको बता दें कि एक्टर की शादी की खबर के बाद आशीष विद्यार्थी की पहली पत्नी राजोसी उर्फ पिल्लो ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट शेयर कर लिखा। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अपने पोस्ट में ज्यादा सोचने और जिंदगी की उलझनों के बारे में बात की। राजोसी ने 2 पोस्ट के जरिए अपने मन की बात कही। पहले पोस्ट में उस इंसान के बारे में बात की जिसने उन्हें तकलीफ दी और वो उसे अपने लिए सबसे सही व्यक्ति समझ रही थी। राजोसी ने लिखा, सही व्यक्ति आपसे सवाल नहीं पूछेगा कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हैं। वो इंसान ऐसी चीज नहीं करेगा जो वो जानता है कि आपको तकलीफ देती है, इस बात को याद रखना। वहीं दूसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा, हो सकता है कि ज्यादा सोचना और शक करना इस वक्त आपके दिमाग से निकल जाए। हो सकता है कि कंफ्यूजन खत्म हो जाए और आपको सब साफ दिखने लगे। शांति और खुशी आपके जीवन को भर दे। आप बहुत वक्त से मजबूर बनकर खड़े रहे हैं। अब आपके लिए भेजी गई दुआएं प्राप्त करने का समय आ गया है। ये आपका हक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।